दिल्ली से सटे यूपी के बुलंदशहर में महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी इलाके में 15 दिन के भीतर अधजले दो शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मची है। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव भदौरा के पास आज सड़क किनारे महिला का अधजला शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी संतोष कुमार के मुताबिक अधजला शव महिला का है। शव को घटनास्थल पर लाकर जलाया गया है। प्रेम प्रसंग और घरेलू हिंसा के बाद महिला के शव को जलाकर सबूत मिटाने की आशंका भी एसएसपी ने जताई है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्षेत्र में एक महिला का जला हुआ शव मिला है, अब क्या कुछ पहचान हो पाई और क्या कुछ मामला निकल कर आ रहा है? देखिए, अब तक की जानकारी के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र में गाँव है भोपुर गाँव की सीमा में आबादी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ंजे के पास एक महिला के शव को जलाया गया है। महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, कहाँ की थी, आसपास आबादी भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो एक इलिसिट रिलेशन का मामला हो या कोई महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मर गई हो, तो साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को ला के जला दिया गया है। पूरे प्रकरण की गहराई से छानबीन की जा रही है। विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से और भी जाँचें कराई जाएंगी। फिर यूनिट के लोगों को मौके पर भेजा गया है और हम लगे हुए हैं, प्रयास करते हैं कि शीघ्र ही घटना का न हो।